नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर संघ की प्रांतीय त्रैमासिक कार्यकारिणी की बैठक भोपाल में संपन्न हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से सम्मिलित हुए इंजीनियर जवाहरलाल गुप्ता, इंजीनियर एस एन शर्मा प्रांत अध्यक्ष, इंजीनियर एस कलजाकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इंजीनियर उमेश दुबे कोषाध्यक्ष, इंजीनियर आर एम सिन्हा कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष, इंजीनियर एस के शर्मा महामंत्री, एम एल सत्य अतिरिक्त महामंत्री, इंजीनियर आर के चौधरी प्रांतीय अध्यक्ष, प्रकाश मालवीय भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी उप प्रांत अध्यक्ष, इंजीनियर आर के श्रीवास्तव आदि। सुरेंद्र करजगांवकर, प्रांताध्यक्ष सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर संघ। ये जो त्रैमासिक बैठक है, इसमें जो मुख्य बिंदु है हमारे, वो संविधान संशोधन से संबंधित है और हमारी जो 3 सूत्री मांगे हैं उसके लिए आगे आंदोलन की रूपरेखा अन्य संगठनों के साथ बैठकर हम बनाएंगे। मुख्य रूप से इस त्रैमासिक बैठक में संपूर्ण मध्य प्रदेश से जिला अध्यक्ष, जिला समिति के पदाधिकारी, क्षेत्रीय समिति के पदाधिकारी एवं समस्त प्रांतीय पदाधिकारी भोपाल में उपस्थित हुए हैं। हमारी जो 3 सूत्री मांग है, उसमें मुख्य मांग है 4% हमको महंगाई राहत हमारी ड्यू है जो कि हमें प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी, स्वास्थ्य बीमा योजना, ये इसका मसौदा वित्त विभाग में तैयार है लेकिन ये लागू नहीं किया जा रहा, इसमें राज्य शासन का कोई वित्तीय भार नहीं है। तीसरी मांग है मध्य प्रदेश पेंशन नियम 1976 में संशोधन का प्रारूप भी वित्त विभाग ने तैयार किया हुआ है सिंगल कमेटी के अनुशंसा पर, उसको भी राज्य शासन द्वारा जारी नहीं किया जा रहा। अगर वो जारी हो जाएगा तो बहुत सारी विधवा, परित्यक्ता और जो अविवाहित पुत्रियाँ हैं उनको माँ या पिता के निधन के बाद परिवार पेंशन की पात्रता है। इन 3 मांगों के साथ साथ एक और मांग हमारी है धारा 49(6), जिसके कारण हर बार पेंशनर के डीए के लिए छत्तीसगढ़ से अनुमति लेना पड़ती है मध्य प्रदेश सरकार को, उस कारण हमें समय पर महंगाई राहत का भुगतान मध्य प्रदेश शासन नहीं कर पाता, उसे छत्तीसगढ़ की से अनुशंसा के साथ समाप्त किया जाए। आपके लिए संगठन में कुछ असंतोष वर्ग के सामने आ रहा है, किसको देखते हैं? हमारे संगठन में अभी तो फिलहाल ऐसा कोई असंतोष है, दिखता नहीं है। अभी चलने की बात तालाब से मतलब कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है, किसी वजह से आज बैठे हैं, कुछ चलती है, ये तो चर्चाएं चलती रहती हैं, ये चर्चाएं हैं। और आपकी जो मांग इस बार चले शासन से, शासन के ऊपर बोझ नहीं, उसके बाद ही शासन आपकी मांगों को अनसुना कर रही है जी। इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या है, पेंशनर एसोसिएशन के साथ हमको मिलकर मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, तभी सरकार इस पर ध्यान देगी। अभी हम इस त्रैमासिक बैठक में विधायकों और सांसदों के और मंत्रियों के माध्यम से अपना मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे, इसका निर्णय हम अभी सेकंड हाफ में लेंगे। सर, आप लोग एक बहुत सीनियर इंजीनियर है, ये आप लोगों की जो त्रैमासिक बैठक, इससे हटके एक सवाल है मेरा, इस समय लगातार पुल, नाले, नदियां सब गिरती जा रही हैं, जो जो नए नए इंजीनियर, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई करी है कि किसी कारण से गिर जाते हैं? नहीं, देखिए बिहार में जो घटना हुई है उसमें तो लगभग काफी पुल काफी पुराने बने हुए थे, लेकिन अगर नए पुल के साथ में ये दुर्घटना होती है, निश्चित रूप से जो क्वालिटी कंट्रोल, जो मॉनिटरिंग इंजीनियर को करना चाहिए, वो क्वालिटी कंट्रोल और मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, इसके कारण पुल में दरारें आती है, पुल गिरने की घटनाएं आती है। क्यों नहीं हो पाती? निश्चित रूप से इसमें इंजीनियर और ठेकेदार दोनों की ही गलती है, लेकिन इंजीनियर होने के नाते मैं प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के सभी इंजीनियरों से ये निवेदन करूंगा, आपको जो काम दिया गया है या जो काम शासन द्वारा या विभाग द्वारा सौंपा जाता है, अपनी पूर्ण निष्ठा से, चाहे वो भवन हो या पुल हो या रोड हो, क्वालिटी कंट्रोल पे आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी में आता है, शासन इसके लिए आपको वेतन देता है। हमारा पहला प्रस्ताव तो ये है कि जो जीवन बीमा योजना है उसको लागू किया जाए, इसमें क्या है, जो भी उसका पैसा है वो पेंशनर के
पेंशन से कटेगी, 67% पर कोई अलग से बाहर नहीं जाने वाला है। इसके अतिरिक्त जो आपने अभी बात की थी कि जो पुल वगैरह गिर रहे हैं, इस पर मैं ध्यान आप लोगों को चाहूँगा कि आजकल क्या है, शासन ने व्यवस्थाएं बदल दी है। पहले जो कॉन्ट्रेक्टर्स होते थे तो हमारे विभाग का उस पर पूरा उस पर कंट्रोल रहता था, आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और क्वालिटी कंट्रोल से लेके कंसल्टेंसी वगैरह उनके भी ठेके होते हैं और पूरा भगवान भर से काम होता है। सर कमीशन जो भी कहीं ना कहीं आपने शासन कार्य प्रणाली का सवाल उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे जो जो इंजीनियर्स है ना, उनको शासन को अपने उस पर नौकरी देना चाहिए, है ना, एंगेज करना चाहिए और उनकी देखरेख में ही काम होना चाहिए, है ना। ठेकेदार के इंजीनियर कभी सही काम कैसे करेंगे प्रेशर में देके, ये सोचने वाली बात है। इसमें क्या बेरोजगारी भी दूर होगी और लोगों को काम भी मिलेगा। मैं ML करी महामंत्री के पद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।